तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्यसभा में पहुंचे और देखे किस तरह से, क्योंकि अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और बिल के पक्ष में 214 यहां पर वोट पड़े हैं, सर्वसम्मति यहां पर नजर आई है, बिल के विरोध में कोई वोट यहां पर नहीं पड़ा है। तो देखिए उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और एक अलग ही एक ऐतिहासिक पल, नई संसद में नया इतिहास रचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और हर किसी में वो खुशी नजर आ रही है, वो खुशी की लहर नजर आ रही है जिसमें एकजुटता है, यानी कि वो विरोध नजर नहीं आया राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर, जिसके बाद सर्वसम्मति से आखिरकार महिला आरक्षण बिल यहां पर पास हो चुका है। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में आज जिस तरह की चर्चा रही, आज ही ये बिल पास हो गया और लोकसभा में कल यानी कि बुधवार को ये भारी बहुमत से पारित हुआ था। अब आगे बढ़ेगा यानी कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो है राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, तब इसे कानूनी तौर पर लागू किया जाएगा, ये प्रोसेस यहां पर होता है। लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, पहले ही सत्र में देखिए नई संसद में नया इतिहास, एक नया आगाज, महिला सशक्तिकरण, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मोर्चे पर किया है, फिर भले ही वो राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय मोर्चा क्यों ना रहा हो, हर पटल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर आगे बढ़ना है तो महिलाओं का साथ लेकर चलना होगा, उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी को यहां पर पहचानना होगा। और जब शुरुआत भी संसद के विशेष सत्र की जा रही थी, क्योंकि आज चौथा दिन है, कल संसद के विशेष सत्र का पांचवां दिन होगा, एक ऐतिहासिक फैसला आखिरकार सामने आया।